हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनएस लाइव पे। तो गाइस, आज के थोड़े में हम बात करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस पीबी केस के बीच खेले गए मैचों के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली स्पोर्ट्स की सारी न्यूज सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीएल T20 का 27वां मैच आरसीबी वर्सेस पीबी केस के बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इज बिंद्रा मोहाली में खेला गया था, जिसमें पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उसके बाद आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू हुई और विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने पारी की शुरुआत की। विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी ने एक बार फिर आरसीबी को अच्छी शुरुआत दी। दोनों मिलकर पावर प्ले में ही बिना विकेट खोए 59 रन बनाए। उसके बाद कोहली ने 47 गेंद में 59 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद जस्ट आरसीबी का दूसरा विकेट भी गिर गया। ग्लेन मैक्सवेल पहले ही गेंद पर आउट हो गए। मैक्सवेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आरसीबी के लिए फाफ डुप्लेसिस ने अच्छी पारी खेली। उन्होंने 56 गेंद में 84 रन बनाकर आउट हो गए। प्लेसिस ने अपनी पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए थे। उसके बाद दिनेश कार्तिक 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। एंड गाइस, इस तरह से आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए और पंजाब किंग्स को 175 रनों का टारगेट दिया था। गाइस, उसके बाद 175 रन के स्कोर का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई। परब सिमरन और अथर्व ताइदे ने पारी शुरुआत की। 4 रन के स्कोर पर ही पंजाब किंग्स का पहला विकेट गिर गया। अथर्व ताइदे 4 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 27 रन के स्कोर पर पंजाब किंग्स का तीसरा विकेट भी गिर गया। गाइस, इस सीजन का पहला मैच खेल रहे लियम लिविंगस्टोन 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद चौथा विकेट हरप्रीत भाटिया के रूप में गिरा। 9 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। गाइस, आपको बता दें कि 76 रन के स्कोर पर पंजाब की आधी टीम पवेलियन को लौट गई। कप्तान सैम करन भी 12 गेंद में 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। उसके बाद परम सिमरन सिंह 23 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए। वेन पार्नेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने हरप्रीत बराड को क्लीन बोल्ड किया। बराड ने 13 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में एलिस की सबसे खराब पारी, एलिस ने 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज ने नाथन एलिस को सटीक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। और इसी तरह मोहाली में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 174 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम 150 रन ही बना सकी और 24 रन से मैच हार गई। गाइस, चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2023 में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हराया। इस मैच में सिराज ने झटके 4 विकेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आरसीबी वर्सेस पीबी केस के बीच खेले गए मैचों के बारे में पूरा बता दिया हूं। तो गाइस, अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।